वेलकम बैक वंस अगेन. आई विल सॉल्व अदर क्वेश्चन फ्रॉम 2017 पेपर. ओके, सो दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वन नॉर्मल HCl एंड फोर नॉर्मल NaOH टू प्रिपेयर वन लीटर सॉल्यूशन एट pH 7. अब क्या कह रहा है कि एक लिया गया है, इसने दो चीजें लिया है, वन नॉर्मल HCl एंड फोर नॉर्मल NaOH, और दोनों को मिला करके वन लीटर सॉल्यूशन है प्रिपेयर करना चाहता है. ठीक है, तो अब ये कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा, हम इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर दें ताकि आपको समझ में आए. ओके, सो ये जो बेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी तब तक बराबर होता है जब तक कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो 1 हो. HCl का बेसिसिटी कितनी होगी, 1. NaOH का एसिडिटी कितनी होगी, 1. एसिड का जो एसिड के साथ क्या होता है, बेसिसिटी होती है, और हमेशा बेस के साथ क्या होता है, उसका एसिडिटी होती है. तो यहाँ पे कितने HCl H1H आयन देगा और यहाँ पे OH एक NaOH में निकलेगा, तो 1-1 के कारण इसकी नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम होगी. ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में याद रखना है कि मोलारिटी और नॉर्मलिटी कब बराबर होती है, जब उनके जो N फैक्टर हैं वो 1 हो. N फैक्टर अगर 1 होंगे तो वो क्या होंगे आपस में, वो उनका मोलारिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा. चलिए, तो आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, ये 1000 ml आपको बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, एट pH 7. आपका HCl कितना है, 1 नॉर्मल दिया, NaOH कितना दिया हुआ है, 4 नॉर्मल दिया. ठीक है, लेट सपोज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर HCl इज वी लीटर. सपोज कि वी लीटर आपको क्या चाहिए, HCl चाहिए. ठीक है, तो NaOH कितना चाहिए, 1 लीटर तो आपको पूरा बनाना था, तो 1 में से वी लीटर घटा दोगे. तो वेन यू सब्सट्रैक्ट 1 लीटर V liter of HCl from 1 liter of total volume, then NaOH कितना volume होगा, 1 minus B. चलिए, तो required volume HCl का कितना होगा, V, और NaOH का कितना होगा, A. अब आप कुछ नहीं करो, बस N1 B1 बराबर N2 B2 का formula इसमें apply कर देना और कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है. तो N1 B1 ये आप HCl के लिए मान रहे हो और एक किसके लिए मान रहे हो, NaOH के लिए मान रहे हो. ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है आप इसको भरो. N1 कितना दिया हुआ आपको, 1. वॉल्यूम आपको कितना हो जाएगा इसका, V, और इसका 4N. इसका जो NaOH का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर माइनस V. अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, N से N गया तो 4 × 1 - V, तो 4 - 4V हो जाएगा. इधर V है तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर सम अप करोगे तो 5V = 4. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/8 लिखा हुआ है, 4/5 होगा. अब जब डिवाइड करोगे तो 0.8 लीटर आपको क्या चाहिए, V, मतलब HCl चाहिए, और आपको NaOH कितना चाहिए, 0.2 लीटर, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर था, तो 1 में से घटा लोगे तो 0.2. जब आप ml में बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 800 ml और 200 ml. जब आप आंसर चेक करोगे तो 800 200 कहाँ मिल रहा है बताइए, इसको इरेज कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे. 800 और 200 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके लिए, राइट आंसर होगा. समझ में आया, चलिए बाय. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो छोटा बने, आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, बाय, टेक केयर, वी विल सी द नेक्स्ट.